और कब डॉग रखना चाहिए? एडल्टहुड राइट एज है डॉग रखने के लिए, मगर ज़्यादातर 5 to 17 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे अक्सर फैसिनेटेड होते हैं इनसे और इन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। बट ये बच्चे डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स की परमिशन पर, क्योंकि ये खुद अभी डिपेंडेंट होते हैं और सोली डॉग की नीड फुलफिल नहीं कर सकते। 18 to 25 एज ग्रुप के एडल्ट फोकस होते हैं अपना करियर बिल्ड करने में, जिस वजह से ज़्यादातर घर से दूर रेंट पर होते हैं, और जो एडल्ट अपने फैमिली अपने पेरेंट्स के साथ रह के अपना करियर बना रहे हैं उनके लिए पॉसिबल है, बट अगेन विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर टाइट शेड्यूल। सो 30 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप के न्यूली वेड टू पेरेंटहुड के लोगों को कंसिडर करना चाहिए इस चीज़ को, और यही राइट समय होता है डॉग को घर में रखने का, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोग अपने आप को सेटल कर रहे होते हैं। मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी एज ग्रुप पे होती है, लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर। हालांकि पेरेंट्स डॉग को घर में रखने का डिसीजन बच्चों की वजह से लेते हैं, बट लॉन्ग रन में डॉग की टेक केयर पेरेंट्स ही करते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास होता है एक लाइफ का और उससे जुड़ी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स का। सेटलमेंट की बात करें तो आज से 10-15 हज़ार साल पहले ह्यूमन रेस जब फर्स्ट टाइम सेटल हुई थी, तब से लेके अब तक कुछ चुनिंदा एनिमल्स हमारे साथ रहते आ रहे हैं अपनी विशेषताओं की वजह से, जिनमें से डॉग एक पसंदीदा पेट है जो हमारे साथ रहकर हमें अम्यूज और प्रोटेक्ट करते आ रहा है। चाहे ह्यूमन रेस की फर्स्ट टाइम सेटलमेंट की बात हो, या आज भी इस स्टेज पर जब आप अपना घर और परिवार शुरू करते हैं, तब पेट स्पेशली डॉग की खास ज़रूरत होती है लाइफ में, क्योंकि ये आपके परिवार और घर को कंप्लीट करते हैं और इनकी प्रेजेंस से घर अंदर बाहर दोनों तरफ से सुंदर दिखता है। इनका लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से सुपीरियर नहीं है, हमें शायद इनकी ज़रूरत है बट इन्हें डेफिनेटली हमारी ज़रूरत है। दे आर डेस्परेट टू बी विद अस बिकॉज वी फुलफिल देयर नीड एंड इन रिटर्न दे ओबे अस, दे डू एज वॉट इज एक्सपेक्टेड। एक्चुअली यही टर्म डिस्क्राइब करती है ह्यूमंस और डॉग के रिलेशन को। ये हमें समझते हैं, ये हमें स्टडी करते हैं, तभी हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉम्युनिकेट करते हैं, रिलेट करते हैं, देन ट्रेड करते हैं। जैसा हमें पसंद है ये वैसा करते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, पहले हमें इंपॉर्टेंस देते हैं। इनका हमसे कॉन्टैक्ट करने का मकसद होता है कि हमें साथ रख लो, और हमारा पहला रिएक्शन शायद ना भी हो, बदले में ये जो कहोगे वो करूँगा दिखाकर हमें फुसलाकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ते ही कहते हैं दो गिव। दे नो हाउ टू अर्न द नीडफुल। काफ़ी समय से हमारे साथ रहने की वजह से डॉग्स ने भी अपने तरीके बदल लिए हैं, फ्रॉम हंटिंग टू अर्निंग फ्रॉम अ मैन। दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग विद अस इन सम वेज। दे आर इंटेलिजेंट एंड टू हैव इंटेलिजेंस अराउंड अस इन होम ब्रिंग्स विजडम। 30 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप के बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम अक्सर भूल जाते हैं कि लाइफ में इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है। वहीं अगर पूरे दिन में थोड़ा टाइम इनसे कनेक्ट होकर सोसाइटी से हटकर नेचुरल प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से लाइफ को एज इट इज़ इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म में देखने से पता चलता है कि लाइफ जीने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। हमारी लाइफ और इनकी लाइफ सिमिलर है बेसिक रिक्वायरमेंट्स को लेके, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी लाइफ में मटेरियलिस्टिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रेजेंस है। अदरवाइज लाइफ की रिक्वायरमेंट्स बहुत बेसिक है, बेसिक्स आर वेरी सिंपल, लाइफ इज सिंपल जो कि एनिमल्स की है। इनमें बर्निंग डिजायर नहीं है ह्यूमंस की तरह नॉन लिविंग थिंग्स को लेकर, इन्हें मतलब है ये वैल्यू करते हैं लिविंग क्रिएचर्स की और नेचर की। हालांकि सब नॉन लिविंग थिंग्स भी पार्ट है इसी नेचर का, बट क्रिएटेड बाय मैन। शायद इसीलिए ये डरते हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि जो चीज़ ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है वो इनके लिए भी हो सकती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, घूमना फिरना इन्हें भी पसंद है, बट ये ज़्यादा दूर तक माइग्रेट नहीं करते, ये एक ही जगह पे सेटल होकर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं। सेटल दोनों होते हैं, इंसान भी होते हैं और ये भी होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है इंसान उस जगह को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके भी सेटिस्फाइड नहीं है, और ये उस जगह के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करके भी कंटेंटेड है। इन्हें पालने में फिजिकल काम तो होता ही है, बट साथ में आप मेंटली भी ऑक्यूपाई रहते हो इनके कंसर्निंग मैटर्स को लेकर, जिससे कि आजकल की मोस्ट कंज्यूमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिविटी से डिस्ट्रैक्ट होते हो बीच में थोड़ी देर के लिए और डिसइंगेज होते हो, जिससे वापस आप चार्ज अप होकर, रिफ्रेश होकर, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ यू और प्रेजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर अच्छे से फोकस करते हो।
इसके अलावा आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हो इनकी नीड्स और केयर के टूवर्ड्स, जिससे कि इन्हें हेल्दी एक्टिव और हैप्पीली ग्रो होते हुए देखना अच्छा लगता है, उससे इनकरेजमेंट मिलती है। देयर बीइंग इन हेल्दी स्टेट इज अवर जजमेंट अबाउट अवर सेल्फ। बाकी बीच में कभी कोई माइनर हेल्थ इशू आ भी जाए, जो कि शुरू में बड़ा दिखता है, बट विद टाइम एंड हेल्प ऑफ मेडिकल एंड लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा केयर से उसे ठीक होते देखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इनकी डेली रूटीन से जुड़े काम के समय अगर आप किसी दूसरे काम में बिजी हो जाओ, बट आप चाहते हो वो काम हो जाए और उसे आपका पार्टनर कर दे, जो कि अक्सर एक पेट की घर में एडजस्टमेंट होने के बाद हम सब अपना काम समझकर कर देते हैं, उससे कॉपरेशन और बॉन्ड जैसी वैल्यूज़ घर में सीखने को मिलती हैं। डॉग की नीड भी पूरी हो जाती है, पार्टनर से रिलेशन भी स्ट्रांग होता है और घर में हार्मनी बनी रहती है, इंक्लूडिंग विद पेट एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, जिससे इन्हें पालना आसान हो जाता है और किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। और कोई ऐसे फैमिली मेम्बर जो इनसे परहेज करते हैं, उनके मन में भी अपनी जगह बना लेते हैं विद देयर सिंप्लिसिटी एंड विद देयर क्यूटनेस। और जो लोग इन्हें रीहोम और डिसओन करने की बात करते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इनके नीड्स फुलफिल करने के प्रोसेस में, आइदर वो इस प्रोसेस को देखकर थक जाते हैं और वो इन्हें लाइबिलिटी समझ लेते हैं। श्योरली ये लोग भी पहले कभी डॉग या एनिमल लवर रहे होंगे। बाकी 30 से 60 ईयर्स के एज ग्रुप के पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए इनके नीड फुलफिल करने के प्रोसेस में, क्योंकि इस एज ग्रुप की सब कुछ हासिल करने की सबसे बड़ी नीड टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड वो डॉग की घर में प्रेजेंस से, इनके साथ इन्वॉल्वमेंट से और इनकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करने से पूरा होने की एक्सपीरियंस की फीलिंग मन में बनी रहती है। इसके अलावा गर्मियों में वॉक और सर्दियों में सुबह खाना देने से आलस तो छूट ही जाता है, आप एक्टिव हो जाते हो और किसी टाइम पर भी रेडी रहते हो। इस एज ग्रुप में ओनली पेरेंट्स आर केपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, और इसी एज में अथॉरिटी होती है आपके पास सब कुछ करने की, और सब कुछ करना भी चाहिए। डॉग को घर में लाने के डिसीजन को अपॉर्चुनिटी की तरह समझना चाहिए, गिव इट अ ट्राई। स्पोर्ट्स खेलना बंद हो जाता है, बट रेजिंग अ डॉग इज अ वेरी स्पोर्टी एंड बिना कहीं जाए अ रोलर कोस्टर राइड फॉर श्योर। टेक अ चैलेंज, ब्रिंग देम होम। 60 अबव ग्रैंड पेरेंट्स को भी एनकरेज करना चाहिए फैमिली को डॉग को घर में रखने के लिए, और अगर खुद बेड रिडन नहीं है तो खुद भी इन्वॉल्व होना चाहिए इनके साथ, क्योंकि इस एज ग्रुप की तरह एनिमल्स की इंटायर लाइफ सिग्निफाई करती है लेस डिजायर्स एंड मोर ऑब्जर्वेशन। लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करते हुए आउटर से ज़्यादा खुद से, इनर सेल्फ से मतलब। थैंक यू।